हेलो एवरीवन, आज हमारे पास स्मार्टन का ये सुपर मॉडल है, सुपर 2500। ये 24 वोल्ट का MPPT सोलर इन्वर्टर है जिसमें आप डबल बैटरीज़ यानी कि 12 वोल्ट के टू बैटरीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये स्मार्टन ने अभी अक्टूबर में ही लॉन्च किया है मॉडल, और आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले के फंक्शंस। कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका मेन्यू है, ये डिस्प्ले के साथ आता है। ये जो स्क्रॉलिंग डिस्प्ले है यानी कि ये रन करता रहता है। इसमें जो उसके फीचर्स ऑन हैं और जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्प्ले होते रहेंगे। ये इसका मेन्यू बटन है, ये इसका अप एंड डाउन बटन है, एंड ये एस्केप बटन है। अगर आप कभी भी मेन्यू से एग्ज़िट करना चाहते हैं तो एस्केप बटन से इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। मेन्यू में जाने के लिए हमने इसको वन टाइम क्लिक करेंगे। अभी हम मेनू के अंदर आ गए हैं। पहली जो सेटिंग है वो DOD। DOD क्या है? आपकी बैटरी की डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कि आप बैटरी कितने परसेंट तक डिस्चार्ज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप अपने सिस्टम को वापस से ग्रिड पे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा बैटरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको 50% पे कर देंगे, और अगर आप कम बैटरी यूज़ करना चाहते हैं, सपोज़ आपके यहाँ पे पावर कट ज़्यादा है, तो आप इसको 20% पर लाकर यहाँ पे सेट करेंगे एंड इस मेनू को प्रेस कर देंगे। अब आपकी जो ये सेटिंग है वो सेव हो गई है। अभी डिस्प्ले में आपको DOD दिखाएगा 20%। मेंस नॉट अवेलेबल इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमने इस पे मेंस अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है। देखिए 20% लोड दिखा रहा है अभी इस टाइम पर, 2500 24 वोल्ट मॉडल का दिखा रहा है। ये इसके इनपुट वोल्टेज रेंज AC पर अगर ये जाता है, सॉरी यहाँ पे DOD जो है इसका सेव नहीं हुआ, इसने यहाँ पे 50% DOD शो किया। अभी हम दोबारा मेन्यू पर जाएंगे। लॉन्ग प्रेस एंड 20% पर जाके मैं चाहता हूँ कि मेरी बैटरी जो है कम यूज़ हो, तो मैं इसको सेव कर दूँगा मेनू बटन प्रेस करके। वन सेवेंटी टू 265 वोल्ट तक के इनपुट AC को ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये DOD सेव हो गई है 20% पर, आपने देख लिया राइट। अब मैं इसके बाकी मेनू फंक्शंस बता देता हूँ। मेनू में जाएंगे, सेम लॉन्ग प्रेस, इससे आप नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे। बैटरी DOD के बाद नेक्स्ट जो सेटिंग है, अब आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये जो बैटरी है ऑलरेडी ये 20% पर सेट हो चुका है। ये मेनू पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले शो कर रहा है 50%, बट एग्जैक्टली जो सेटिंग पर है 20% सेव हो चुका है। मेनू को ये 50% से स्टार्ट करता है। मैं एक बार एस्केप करके दिखाता हूँ। लॉन्ग प्रेस, DOD के बाद नेक्स्ट आता है सेट चार्ज मोड। सेट चार्ज मोड में क्या है कि इसमें ग्रिड चार्जिंग एनेबल और डिसेबल फीचर इन्होंने ऐड किया है। इसको एनेबल और डिसेबल करने के लिए आप मेनू को फिर दोबारा प्रेस करेंगे। अब ये इनेबल और डिसेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, और सेव करने के लिए यहाँ पे सेव हो गया। इसके जो डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो ये मेन्यू में आ जाता है। सपोज़ देखिए बार बार ऐसा हो रहा है कि इसको जब हम प्रेस करते हैं लॉन्ग प्रेस, अगर ये साथ साथ दो बार ही क्लिक हो जाए, अगर मैं इसको ज़्यादा प्रेस करके रखूँगा तो ये पहली सेटिंग के अंदर एंटर हो जाएगा। अब ये जैसे DOD में फिर दोबारा से एंटर हो गया, तो उसको एस्केप करेंगे हम यहाँ से। लॉन्ग प्रेस, ये अपनी सेटिंग आ गई है DOD। हमने चार्ज मोड भी सेट देख लिया है, और अब UPS मोड। UPS मोड आप जानते ही हैं, सभी को पता है। UPS मोड जो है, अगर आप इस पर कोई कंप्यूटर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसको एनेबल और डिसेबल करने का एक फीचर है। इसमें आप बैटरी टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
SMF या ट्यूबलर, इसके लिए यहाँ पे सेटिंग है। अब ये लेड एसिड पर है, ये ट्यूबलर बैटरी हो जाती है, और ये SMF बैटरी की सेटिंग है। मैं लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। बाकी के जो फंक्शंस हैं इसमें आपको कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं हैं, मतलब ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ेंगी। ऑटोमेटिकली जब आप इसको लगाएंगे तो ये आपका जो सिस्टम है, सुबह के टाइम पे जैसे ही सोलर अवेलेबल होगा, ये आपके ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपका जो सोलर से पावर लेगा प्लस बैटरी भी यूज़ करेगा। मैं एक बारी आपको उसका जो बैक साइड व्यू है वो भी दिखा देता हूँ। ये जो है इसका बैक साइड व्यू है, बैक साइड पे कोई स्विच ऐसा नहीं है जिसको आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, सिर्फ ये एक MCB दिया हुआ है इन्होंने सेटिंग के लिए, बाकी और कोई सेटिंग नहीं है। ये हमने इसको AC के आउटपुट, यहाँ से वोल्टेज के लिए करंट वायर लगाया हुआ है, ये हमारा सोलर DC वायर इस पर लगा हुआ है, और ये जो वायर है इसके साथ ही आपको मिलेंगे मेन्स इनपुट वायर, ये आउटपुट ये वाला है, ये इनपुट है, और बैटरी के जो टर्मिनल्स वायर है ये भी लगे होंगे रेड एंड ब्लैक। बाकी आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पे मेंशन भी है, ये एक 2500 VA मॉडल है, 24 वोल्ट स्मार्टन। बाकी जो इन्वर्टर से अगर इसके कंपेयर करें तो इसका जो ऑपरेशन है काफ़ी साइलेंट है। आप देख सकते हैं इसमें भी बैक साइड पे यहाँ पे एक फ़ैन दिया हुआ है, और एक